हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिक लेक्सी मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कॉम्पिक लेक्सी चैनल टीम आपको धन्यवाद देना चाहती है। हमारे 1000 सब्सक्राइबर कॉम्पिक लेक्सी चैनल के पूरे हो चुके हैं। यूट्यूब चैनल कॉम्पिक लेक्सी के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों, इसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने कम समय में हमारे काम को सराहा और हमारे साथ जो टीम जुड़ गई है उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। अब हम लोग अपना MMC का ऑनलाइन सपोर्ट भी चालू कर रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए ये हमारा पहला वीडियो है जो आपके सामने हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिएगा इस वीडियो को और समझिएगा कि हम लोग के पढ़ाने का तरीका कैसा है और हम लोग कैसी नॉलेज आपको देते हैं। दोस्तों, हम लोग की इस बात की हमेशा गारंटी रहती है। हम लोग इस बात को हमेशा समझते हैं कि कोई भी काम वही बंदा सिखा सकता है जो काम करता हो। दोस्तों, हम लोग सॉफ्टवेयर का काम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। हमारे जो हार्डवेयर एक्सपर्ट हैं वो भी 10-12 साल से हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग का इंस्टीट्यूट कुछ मायनों में खास बन जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई हुई नॉलेज आपके सामने नहीं रखते हैं। हम लोग जो प्रैक्टिकल कर चुके हैं उसका ज्ञान आपको बांटते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप में थोड़ा सा यूनिक बन जाते हैं। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ या कॉम्पिक लेक्सी टीम अपनी तारीफ नहीं कर रही है, लेकिन ये सच है कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप बांटते हैं तो आप एक अच्छे तरीके से अपने अगले स्टूडेंट को समझा सकते हैं, और किताबी ज्ञान की सहायता से आप इतने अच्छे तरीके से स्टूडेंट को नहीं समझा सकते। तो दोस्तों, कॉम्पिक लेक्सी टीम आपको फिर धन्यवाद देती है यूट्यूब चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने की दिशा में। साथ ही साथ जो बंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम लोग उसका भी धन्यवाद देते हैं, और वो लोग हम लोग के प्रोग्राम से बहुत सेटिस्फाइड हैं। साथ ही साथ हम लोग आज MMC का भी पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम अब अपने MMC के पहले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग आपको क्या बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग आपको इसमें दो चीज़ें बताएंगे, थोड़ी सी MMC की इंटरनल नॉलेज और कुछ एक्सटर्नल नॉलेज देंगे। एक्सटर्नल नॉलेज में हम लोग आपको बताएंगे यदि आपके पास MTK CPU का कोई भी सेट आता है, हैंडसेट आता है, तो आप उसमें कैसे जज करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, पावर IC खराब है, CPU खराब है या MMC खराब है। तो इसकी डिटेल हम लोग आपको लॉ की सहायता दे देंगे, साथ ही कुछ अपनी नॉलेज आपको शेयर करेंगे ताकि आपके शॉप पर यदि कोई सेट आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकें और बता सकें कि इस सेट में क्या फॉल्ट है। इंटरनल नॉलेज में हम लोग आपको बताएंगे कौन कौन सी IC इस टाइम अवेलेबल है, साथ ही साथ एक MMC की इंटरनल स्ट्रक्चर की थोड़ी सी नॉलेज आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपको MTK CPU के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसकी सहायता से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस सेट में आपके डेड हैंडसेट में या ऑन हैंडसेट में क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो कई बॉक्सेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे EasyTech Plus, UFI, MMC Pro और Medusa। देखिए, जो सबसे पॉपुलर बॉक्स मेरी नज़र में है वो EasyTech Plus और UFI बॉक्स। ये दोनों बॉक्स आज के डेट में बहुत पॉपुलर हैं, और जो भी MMC का ठीक ठाक काम कर रहे हैं वो अपने पास इस बॉक्स को जरूर रखते हैं, ठीक है। MMC का UFI बॉक्स जो है ये अपने कंप्लीट किट के साथ आ रहा है। दोस्तों, इसके बारे में बता दूं, ये MMC जो प्रोग्राम करता है, साथ ही साथ ये जो लैपटॉप के मदरबोर्ड होते हैं उसके BIOS की प्रोग्रामिंग भी करता है। इसके लिए नेट पे वीडियो दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो ZTAC Plus आ रहा है इसमें अपने अडॉप्टर, ये वाला अडॉप्टर इस टाइम नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको ईमेट का जो है अडॉप्टर लेना पड़ेगा। दोस्तों, ईमेट का अडॉप्टर ऑल इन वन है, इसके अडॉप्टर के साथ आप UFI बॉक्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, ZTAC भी कनेक्ट कर सकते हैं, पुराने ओल्ड ZTAC भी कनेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये अपने आप में कंप्लीट है। इसमें Medusa का कनेक्शन भी दिया हुआ है, साथ ही साथ जो आपके पास यदि ATF बॉक्स है वो भी ZTAC का काम करता है, उसका भी कनेक्शन दिया हुआ है। तो आज की डेट में यदि पॉपुलर बॉक्स देते हैं तो हम लोग पास ZTAC Plus और UFI बॉक्स हैं, ठीक है। आप यदि ठीक ठाक काम करना है, MMC का करना चाहते हैं, तो आप 1x1 बॉक्स खरीदना चाहते हैं, तो UFI बॉक्स थोड़ा ईजी पड़ता है और ZTAC बॉक्स थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ZTAC के लॉक बहुत क्लियर हैं। हर एक बॉक्स की अपने फीचर्स हैं, हम लोग किसी बॉक्स को ना ख़राब कहेंगे ना अच्छा कहेंगे, दोनों बॉक्स अपने अपने आप में संपूर्ण बॉक्स हैं और अच्छा काम करते हैं। जो जिसको समझ में आ जाए आदमी उसी से काम करना लगता है, लेकिन यदि आप MMC का काम मेरे नॉलेज में करना चाहते हैं तो आपको दोनों बॉक्स लेने चाहिए, ठीक है।
चलिए अब हम अपने अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज की डेट में जो आपको आईसियाँ मिलेंगे करने के लिए वो ये आईसी आ रही हैं, BG 153 और 169। इसकी स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी। इसमें केवल स्टोरेज होती है, इसमें रैम नहीं लगी होती है, ठीक है, ये केवल स्टोरेज होती है। इसके बाद आपको BG 162 और 186 आईसी मिलेगी, BG 529 और BG 221। देखिए ये आईसी तो देखने को नहीं मिलती है, आपका ज़्यादातर परिचय इस आईसी और ये BG 221 आईसी से होगा, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ZEC जॉइंट इलेक्ट्रॉन डिवाइस इंजीनियरिंग काउंसिल एक ऐसी संस्था है जो इस MMC IC के नॉर्म्स तय करती है, इसके फर्मवेयर वर्जन तय करती है, उसके अकॉर्डिंग बाकी कंपनियां जो हैं इस IC को बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। दोस्तों ZEC एक बहुत बड़ी काउंसिल है, इसके साथ 300 बड़े कंपनियां जुड़ी हुई हैं, 300 मेंबर इसके हैं, जिसमें बहुत मोबाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। तो ये इस BG IC की डिज़ाइन, MMC IC की डिज़ाइन तैयार करती है, नॉर्म्स तय करती है, उसके अकॉर्डिंग बाकी उस नॉर्म्स को फॉलो करके बाकी कंपनियों को अपनी IC बनानी होती है। आज की डेट में जो लेटेस्ट IC है BG 254 है, इसका जो है प्रीव्यू ZCS की टीम ने दिया है। दोस्तों ये इस तरह की IC है, ये सबसे लेटेस्ट IC है, ये BG 254, ये जो देखिए ये है सबसे लेटेस्ट IC है। तो दोस्तों यदि आप MMC का काम करते हैं तो आपको इन ICO से परिचित होना पड़ेगा, इसके पिनआउट से परिचित होना पड़ेगा, जिसकी डिटेल नेट पे दी गई है। इसमें सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स नॉट कनेक्टेड होते हैं, CLK, CMD, VCCQ, वोल्टेजेस के पॉइंट इसमें होते हैं, जिसकी नेट पे आपको डेटा शीट मिल जाएगी, जिसको देखकर आप इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं। तो दोस्तों जो आज की डेट में आपकी ICO से परिचय होगा BG 153, 169, BG 162, 186 और BG 221, ये लेटेस्ट IC है, जल्दी ये भी आपको दिखने लगेगी, ठीक है। इतनी ICOs को पे आपको काम करना पड़ेगा और इन्हीं ICO के अडॉप्टर ZEC और UFI वालों ने दिए हुए हैं, जिस पे हम IC निकाल कर लगाते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपने अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक MMC का स्ट्रक्चर ओवरव्यू कैसा होता है, ये CPU होस्ट के साथ कैसे जुड़ी होती है, इसका मैं आपको डिटेल से जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों जो MMC होती है वो एक BGA चिप होती है, उसके अंदर आपको डिवाइस कंट्रोलर और नैन फ्लैश दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। दोस्तों डिवाइस कंट्रोलर एक ऐसा पार्ट है जो नैन फ्लैश, जहाँ पर आपकी मेमोरी स्टोर होती है, उसको मैनेज करता है। दोस्तों डिवाइस कंट्रोलर का काम MMC के इंटरनल प्रक्रिया को मैनेज करना है। इंटरनल प्रक्रिया से मतलब ये है कि जब MMC के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस बैकग्राउंड में होते रहते हैं, तो उस बैकग्राउंड ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए एक इसमें डिवाइस कंट्रोलर लगाया जाता है। इसके अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं, जैसे OCR, ESD, RCA, CID वगैरह वगैरह। तो ये जो डिवाइस कंट्रोल होता है, ये उसके नन पार्ट, जहाँ पे मेमोरी डाटा स्टोरेज होता है, उसको जो है मैनेज करता है। दोस्तों MMC कंट्रोलर नन फ्लैश के बहुत सारे वर्क्स को हैंडल करता है, जैसे वियर लेवलिंग, एरर कनेक्शन, बैड ब्लॉक मैनेजमेंट एक्सेट्रा। जिससे फ़ायदा ये होता है कि होस्ट को इन कामों से, होस्ट मतलब प्रोसेसर, ये देखिए होस्ट को मतलब प्रोसेसर होता है, इसको इन कामों से मुक्ति मिल जाती है और वो केवल कमांड भेजकर इसमें रीड राइट प्रोसेस जो भी हम लोग को करनी है वो करा सकता है। बाकी डिवाइस कंट्रोलर MMC जो IC है उसके अंदर मेमोरी को मैनेज करता रहता है। दोस्तों इसका एक अपना प्रोग्राम भी होता है, जैसे मोविन नंद IC के अंदर FTL प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम MMC IC के अंदर रन होता है। दोस्तों इस टाइम जो MMC का 5.1 वर्जन लेटेस्ट चल रहा है, MMC जो है 5.1, इसकी जो अंदर लेटेस्ट प्रोग्राम 5.1 है जो लेटेस्ट चल रहा है, ये प्रोग्राम बहुत सारे कामों को, जब हम लोग MMC IC को ऑन करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन चालू। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि यदि आप इसमें वोल्टेज ना दें तब भी इसमें डाटा स्टोर रहेगा, डेटा आपका डिलीट नहीं होगा। तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज ये एक MMC IC है, और ये बहुत ही सस्ता साधन है, बहुत ही चीप जो है IC आपको मोबाइल में मिल जाती है, जो बहुत ज़्यादा स्टोरेज आपको देती है, जिसकी वजह से MMC IC आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर हो रही है। तो ये एक इसका इंटरनल
स्ट्रक्चर है सीपीयू के साथ कैसे जुड़ा होता है। दोस्तों ये एक एमएमसी बस होती है जिसमें तीन कमांड सीएमडी सीएलके और डेटा के द्वारा जो है जो हम लोग एमएमसी को सीपीयू हैंडल करता है। एमएमसी के अंदर बीजीए एक चिप होती है, एमएमसी एक बीजीए चिप है, बीजीए का मतलब बॉल ग्रिड अरे आईसी होती है, जिसके अंदर इन्होंने जो इनके मैन्युफैक्चर हैं इन्होंने दो पार्ट बनाए हैं, एक डिवाइस कंट्रोलर और एक नैंड फ्लैश। नैंड फ्लैश जो है स्टोरेज होती है जहाँ पे हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। डिवाइस कंट्रोलर का काम इस नैंड फ्लैश मतलब इसकी स्टोरेज को हैंडल करना है, इसके स्टोरेज को मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों ये जो है डिवाइस कंट्रोलर जब नैंड फ्लैश जो भी इसकी स्टोरेज होती है उसको मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर फ्री रहता है और आपका मोबाइल और फास्ट चलता है। तो दोस्तों ये सब बहुत ही मैनेज तरीके से बनाया गया है, जो इसलिए जो जिसके स्ट्रक्चर इस तरह के किए गए हैं कि काम बांट दिए जाएँ ताकि हर एक जो भी मोबाइल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। तो दोस्तों ये एक इसका ओवरव्यू है एमएमसी आईसी का। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम लोग बहुत सारे सीपीयू से आजकल परिचित हो रहे हैं, जैसे एमटीके, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों ये तीन सीपीयू मेन है, इसके अलावा इंटेल सीपीयू भी आ रहा है और बहुत सारे सीपीयू अब बंद हो चुके हैं, जैसे आरडीए बहुत कम आ रहा है। तो दोस्तों यदि इन सेटों में एमएमसी की दिक्कत आती है तो आपको सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, आज मैं आपको केवल एमटीके सीपीयू के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आपके शॉप पे कोई भी हैंडसेट एमटीके सीपीयू का आता है तो आपको कैसे ये पता चलेगा कि इसके अंदर एमएमसी प्रॉब्लम है, इसके अंदर सीपीयू खराब है, इसके अंदर पावर आईसी खराब है। दोस्तों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये जजमेंट कर लेते हैं इसमें ये चीज़ खराब है और अगर आपका हार्डवेयर अच्छा है तो आप उस हार्डवेयर को चेंज करके बहुत से आसानी के साथ हैंडसेट को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग पहले देखते हैं। देख दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पास CM2 बॉक्स इन्फिनिटी का CM2 बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि MMC का टेस्ट वो बहुत ही अच्छा देता है और साथ ही साथ उससे हम लोग ने कई और भी नए अंदाजे लगाए हैं, जैसे यदि आपका CPU ख़राब है तो भी हमें इस बॉक्स से पता चल जाता है। तो दोस्तों ये बॉक्स बहुत खूबियों वाला है, यदि आपके पास ये बॉक्स है तो आप कैसे ये चीज़ हैंडल करेंगे इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने लॉग भी लिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको हैंडसेट में आपको लेके भी दिखाता हूँ कि कैसे जो है आपको ये मैनेज करना है। मेरे पास लॉग भी हैं जो मैंने लॉग डाल रखे हैं अपने वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको एक एक सेट को करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये लॉग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे ये लॉग आपको बताएंगे कि इसमें MMC खराब है, इसमें पावर आईसी खराब है या इसमें CPU खराब है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग इस लॉग को देखते हैं। इन्फिनिटी CM2 क्या MTK मॉड्यूल 1.58 हम लोग खोल रहे हैं। जब वो खुल जाएगा उसके बाद हम लोग एक एक टेस्ट एक दो हैंडसेट मेरे पास है, माइक्रो मैक्स Q338 और माइक्रो मैक्स Q372। इन दोनों हैंडसेटों का हम लोग MMC टेस्ट लेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या दिक्कत है। दोस्तों देखिए इसमें हम लोग पहले ये CPU सेलेक्ट करते हैं एंड्रॉयड का। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा में आते हैं। एक्स्ट्रा में आने के बाद हम लोग MMC का टेस्ट लेते हैं। सबसे पहले देखिए मैं जो हैंडसेट लगाने जा रहा हूँ वो है माइक्रोमैक्स Q372। ठीक है, Q372 हैंडसेट मैं लगा रहा हूँ और मैंने लगा के छोड़ दिया। ये थोड़ी अभी डिटेक्ट होगा, थोड़ा टाइम लेता है डिटेक्ट होने में। जब ये डिटेक्ट हो जाएगा तो ये MMC का पूरा टेस्ट करेगा कि MMC में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है वगैरह वगैरह। दोस्तों अभी सेट कनेक्ट हो रहा है। जैसे ये सेट कनेक्ट होगा, ये देखिए सेट कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये सेट कनेक्ट हो रहा है ये एक एक टेस्ट MMC का लेने जा रहा है, जिससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि सेट में क्या दिक्कत है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपके शॉप पे हैंडसेट आता है और वो हैंडसेट फ्लैशिंग के बाद भी ऑन नहीं होता है, या हैंग ऑन लोगों पे रुका है तो फ्लैश के बाद भी हैंग ऑन लोगों पे रुका है, या हैंग ऑन लोगों पे रुका है अपने फ्लैश या डेड हो गया है। तो कई बार आपको ये नहीं पता चल पाता कि इसमें दिक्कत क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो MMC करने के लिए सबसे पहला स्टेप जरूरी है वो आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि यदि आपकी शॉप पे MTK CPU आता है तो आप कैसे जज करेंगे कि उसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों ये जो माइक्रोमैक्स का सेट है, माइक्रोमैक्स Q372, इसका मैं टेस्ट ले रहा हूँ MMC। ठीक है, इस टेस्ट का पूरे हो जाने के बाद मैं आपको कुछ डिटेल दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या दिक्कत है।
तो सबसे पहले जो है टेस्ट मैं ले रहा हूँ आपका जो है, ये देखिए ये टेस्ट कंप्लीट हो रहा है, ये टेस्ट कंप्लीट होने दीजिए। जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोग को ये पता चला कि ये सेट ओके है। यदि आपके शॉप पे कोई डेड हैंडसेट आता है तो सबसे पहले आप उसका एमएमसी टेस्ट लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो सेट सॉफ्टवेयर से ऑन होगा कि नहीं, इसमें एमएमसी करनी पड़ेगी या इसमें सीपीयू खराब है या पावर आईसी खराब है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आपके हैंडसेट में पावर आईसी खराब है तो आप वो कंप्यूटर से डिटेक्ट नहीं होगा, ये मान के चलिए आप, तब आपको उसका हार्डवेयर पार्ट देखना पड़ेगा, पीसीबी का हार्डवेयर पार्ट देखना पड़ेगा। क्योंकि जब पावर आईसी खराब होती है, पावर आईसी एक्चुअल में क्या होती है, हर एक सेक्शन को पावर वोल्टेज जो है उसकी भूख होती है, उसको देती है, किसी को 2 वोल्ट चाहिए, किसी को 1.8 वोल्ट चाहिए, तो वो जो है वोल्टेजेस पावर आईसी प्रदान करती है। तो दोस्तों यदि पावर आईसी खराब है तो सेट आपका कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा, ये मैंने पहला स्टेप आपको बता दिया है। दोस्तों देखिए ये देखिए इसमें दिखा रहा है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि एमएमसी ओके रीड राइट टेस्ट पास। ये देखिए मैं दूसरी पेंसिल ले रहा हूँ, ये देखिए कलर मैं दूसरा चूज़ कर ले रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सारे टेस्ट ओके दिखा रहा है, पास 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 पास। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको इस सेंसर को यदि आपका डेड आया है फ्लैश करेंगे तो ओके हो जाएगा इस टेस्ट को देखने के बाद। चलिए अब हम लोग अपना दूसरा टेस्ट देखते हैं। एक हैंडसेट मेरे पास और रखा हुआ है जो मैं आपके सामने लगाने जा रहा हूँ, ये हैंडसेट है माइक्रोमैक्स Q338, इसको मैं अब लगाने जा रहा हूँ। इसको देखिए अब ये मैंने सेट निकाल दिया, चूँकि ये सेट लगा हुआ था इसलिए ऐसे दिखा रहा था, मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। अब मैं दूसरा हैंडसेट लगाने जा रहा हूँ, फिर हम लोग इस टेस्ट के विश्लेषण आराम से करेंगे। दूसरा सेट मैंने लगा दिया है, अब ये देखिए थोड़ी देर में कनेक्ट हो, ये देखिए सेट कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, यदि आपकी हैंड शॉप पे हैंडसेट आता है तो देखिए इसमें तीन कंडीशन आपको मिलेंगी, या तो वो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा, डिटेक्ट होगा तो दो टाइप के एरर दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंसिल चेंज करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये पेंसिल मैंने येलो ले ली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक मुझे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है EMCFG रिट फेल्ड। अगर आपको MTK CPU का टेस्ट ले रहे हैं और इस टाइप की DA एरर के बाद ये एरर मिल रही है, DRAM कंसम्पशन फेल्ड, यदि DA एरर मतलब DA फाइल सही है उसके बाद ये एरर आ रही है, क्योंकि जो आपका सिक्योर बूट सेट आ रहे हैं उसमें DA फाइल अलग से लेनी पड़ती है, लेकिन ये मैं आपको 3G हैंडसेट्स के टेस्ट बता रहा हूँ जिसमें DA फाइल MTK ऑल बिन कॉमन होती है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये प्रॉब्लम दिखती है तो आपको ये मान लेना है कि आपके सेट में CPU की प्रॉब्लम है, 100% CPU खराब है। इस टेस्ट से हम लोग ने ये, क्योंकि हम लोग शॉप में बहुत सेट आए हैं और जब लोग ने इस टेस्ट को देखा और इसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर पे काम किया तो हम लोग ने पाया कि ज़्यादातर हैंडसेट में CPU खराब निकला है। हम लोग ने CPU को रिवॉल्व किया, हैंडसेट जिंदा हो गया, इसमें MMC नहीं खराब होती है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि CPU MMC को इंस्टलाइज नहीं कर पा रहा है, MMC के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब CPU में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम है। पावर आईसी इसलिए खराब नहीं हो सकती क्योंकि हैंडसेट आपका कनेक्ट हो रहा है, वोल्टेजेस प्रॉपर आ रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों दो टेस्ट मैंने आपको दिखाए हैं, देखिए पहला टेस्ट मैंने आपको ये दिखाया है, मैं इसको मिटा देता हूँ, जिसमें आप देखिए कि आपको दिखा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है रीड राइट टेस्ट, AMC ओके रीड राइट टेस्ट पास। अगर आपके पास ये टेस्ट आता है इसका मतलब आप इसमें सॉफ्टवेयर करेंगे तो सेट आपका जिंदा हो जाएगा, बाकी नीचे देखिए सारे सेट ओके दिखा रहा है। कई बार यहाँ पे दिखाता है कि MMC रीड ओनली, रीड ओनली का मतलब होता है कि अब IC में ना सॉफ्टवेयर राइट कर सकते हैं ना उसमें से डेटा डिलीट कर सकते हैं, वो भी एक केस एग्जिस्ट करता है, उसमें भी MMC खराब होती है। तो मेरा दो टेस्ट दिखाने का मतलब क्या था, दोनों टेस्ट मैंने यहाँ रखे हैं, ये पहला टेस्ट है, ये देखिए मैं इसमें कोई कलर दूसरा चूज कर ले रहा हूँ, देखिए ये पहला टेस्ट है। इस पहले टेस्ट का मतलब ये है कि आपके हैंडसेट में CPU से प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा ये टेस्ट है, ये टेस्ट आता है इसका मतलब आपकी MMC ओके है, आपको केवल सॉफ्टवेयर करना है और आपका सेट जिंदा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस आता है उसमें MMC रीड ओनली दिखाता है, उस केस में आपको MMC पे रीप्रोग्राम करना पड़ेगा या MMC चेंज करनी पड़ेगी। वो जब आप MMC को किसी भी बॉक्स जिटैग या UFI में लगाएंगे तो आपके सामने
जो भी लॉग आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना है। उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी आगे लेंगे। अभी हम लोग केवल जो है आपको एक इनिशियल जानकारी दे रहे हैं कि यदि आपके पास एमटीके सीपीयू आता है और आपको ये पता करना है कि आपके हैंडसेट में एमएमसी प्रॉब्लम है कि नहीं, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद कई बार क्या जो हम लोगों ने देखा है ये भी आता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद एमएमसी और बैटरी नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड। तो इस केस में यदि आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो आपको ये मान लेना है कि आपके पास एमएमसी की प्रॉब्लम है इस सेंसर में। तो दोस्तों यदि आपके पास सेट आया तो आपको एमएमसी टेस्ट लेना है। ये वाला यदि लॉग है, मैं आपको लॉग एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, मैंने लॉग सेव करके भी रखे हैं ताकि आप लोग को क्लियर हर चीज़ की क्लियर जानकारी हो जाए। दोस्तों देखिए, यदि इस टाइप का लॉग आपको मिलता है, एमएमसी रिटायर्ड फेल्ड कोड टाइम डीए डिवाइस नॉट फाउंड, इसका मतलब सीपीयू एमएमसी के साथ इनिशियलाइज नहीं कर पा रहा है, आपको सीपीयू पे काम करना है ना कि एमएमसी पे, ठीक है। इसके बाद दूसरा लॉग मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये लॉग पूरा ओके दिखा रहा है। इसका मतलब यदि आपके पास डेड हैंडसेट आया है, आपने ये एमएमसी टेस्ट ले लिया है, तो आप उस हैंडसेट को फ्लैश करेंगे, आपका सेट 100% जिंदा हो जाएगा। तीसरा केस मैंने बताया है, यदि पावर आईसी खराब है, यदि आपके सेट में पावर आईसी खराब है तो आपको फिर मालूम है कि चूंकि वोल्टेजेस प्रॉपर कहीं नहीं जा रहे हैं, इसके अंदर सेट हार्ट का कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये तीन मेन आईसियां हैं, सीपीयू, एमएमसी और पावर आईसी। तीनों की टेस्टिंग मैंने आपको बताई है कि किस केस में आपको हैंडसेट कैसे हैंडल करना है। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई एमटीके सीपीयू का सेट आता है और आप उसको हैंडल करना चाहते हैं, तो आप उसको ऐसे हैंडल करेंगे तो आपको पहले ही नॉलेज हो जाएगी, आपको डायरेक्ट एमएमसी करने की निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीपीयू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पावर से निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको हैंडसेट में क्या करना है, ठीक है। यदि आप ये चीज़ चेक कर लेते हैं प्रॉपर, तो आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा एमएमसी का पहला वीडियो था, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका डिस्कशन बॉक्स हम लोग को जरूर बताइएगा। हम लोग आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे इससे बहुत ही बेटर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हम लोग का एमएमसी का ऑनलाइन सपोर्ट स्टार्ट हो गया है। यदि कोई भी स्टूडेंट या शॉपकीपर ऑनलाइन सपोर्ट लेना चाहता है तो इन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकता है। धन्यवाद दोस्तों।